क्या हुआ तुमने तुम्हारा ड्यूटी खराब कर दिया। जस्ट अभी टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत का एक छोटा सा टीजर आया है, यह कहो कि मोशन पोस्टर आया है और इसके साथ साथ मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है और इस टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें भी टाइगर श्रॉफ धमाकेदार एक्शन करते हुए देखने को मिलने वाले हैं और इसकी एक झलक तो करीब करीब एक साल पहले ही देखने को मिल गई थी जब इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया था जिसमें टाइगर श्रॉफ का लुक और मस्कुलर बॉडी में दिखाई दे रहे थे और साथ ही हीरोपंती वाला सेम एटीट्यूड भी दिखाई दे रहा था। इसके सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन चार टीजर आ चुके हैं और सब में टाइगर श्रॉफ का लुक डिफरेंट दिखाई दे रहा है। एक पोस्टर में वो चेयर पर बैठे हुए स्मोक कर रहे हैं तो दूसरे पोस्टर में बिना शर्ट के बॉडी दिखा रहे हैं, तो एक में हीरोइन यानी कृति सेनन का लुक भी रिवील कर दिया गया था और देखने में तो लग रहा है कि वो भी इस मूवी में जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाई देने वाली है। लगता है कि टाइगर श्रॉफ इस मूवी में भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाले हैं जो कि उनकी पहले की मूवीज में भी देखने को मिला था जैसे कि हीरोपंती और बागी, तो शायद हमें इस मूवी में भी कुछ ऐसा या फिर देखने को ना मिले। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक मूवी का ट्रेलर तो नहीं आया है जिससे हमें उनकी एक्टिंग और इस मूवी में उनके एक्शन सीन्स के बारे में जानकारी मिल सके। जो भी मिला है वो सब काइंड ऑफ मोशन पोस्टर के रूप में देखने को मिला है। पूरी जानकारी के लिए हमें ट्रेलर का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की पिछली कुछ मूवीज की तो वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है और हीरोपंती 2 तो बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुई थी क्योंकि उनकी एक्टिंग और एक्शन मूव्स दोनों ही सेम ही होते हैं, मतलब कि उनकी सारी मूवी एक जैसी होती है। तो अगर गणपत मूवी में भी सारी चीजें दोबारा से दोहराई जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल कर पाए क्योंकि पब्लिक हर बार कुछ अलग देखना चाहती है और अगर आप कुछ अलग मूवी में नहीं कर पाए तो आपकी मूवी तो फ्लॉप तो होना पक्की ही है। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कह सकते कि इस मूवी की स्टोरी क्या होगी और एक्शन कैसे देखने को मिलने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मूवी को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है जो कि सुपर 30 और क्यून जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं, तो इससे थोड़ी तो होप रहेगी कि ये मूवी टाइगर की बाकी मूवी से अलग होगी और ये मूवी हमें 20 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलने वाली है और ऊपर से ये दो पार्ट्स में रिलीज होगी, तो इसका पहला पार्ट 2023 में रिलीज होगा और दूसरा पार्ट हमें 2024 या फिर 2025 को देखने को मिलेगा।